हेलो दोस्तों, एक और नई इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट से भरी हुई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट फैक्टपीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ बहुत ही रोचक एवं अद्भुत तथ्य जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे और जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अक्सर क्रिमिनल को पुलिस से अरेस्ट होते हुए जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी किसी पेड़ को अरेस्ट होते देखा है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के लंडी कोतल में एक बरगद का पेड़ 122 सालों से जंजीरों से बंधा हुआ है, क्योंकि 1898 में जेम्स क्विड नाम के एक ब्रिटिश अफसर को, जो कि नशे में थे, उन्हें लगा कि पेड़ उनकी ओर बढ़ रहा है और उसे मारने आ रहा है। तो उन्होंने हवलदारों को इसे गिरफ्तार करने को कहा और यह गिरफ्तारी अभी तक चल रही है। वैसे तो जापान और चाइना में गर्लफ्रेंड, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स को आप किराए में हायर कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जापान में इमोशनल फिल्म देखने के लिए आप एक बंदे को हायर कर सकते हैं, जो आपके साथ मूवी देखेगा और आपके इमोशनल होते ही आपके आंसू भी पोंछेगा। अगर इंडिया में भी ऐसा हो, कोई भी लड़का या लड़की का स्टेटस सिंगल नहीं होगा, एक्सेप्ट सख्त लोग। आज के समय इतने आधुनिक हथियार हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपको पता है प्राचीन काल में सबसे घातक हथियार क्या होता था? आपके मन में आ रहा होगा तलवार या तीर धनुष, परंतु ऐसा नहीं है। चक्रम नाम के इस हथियार को दुनिया के प्राचीन हथियारों में से सबसे घातक हथियार माना जाता है। भारतीय पौराणिक काल में इस हथियार का प्रयोग किया जाता था। अगर चक्रम को सही तरीके से बनाया जाए तो यह 100 MT दूर से भी घातक साबित हो सकता है। वैसे तो सुपर हीरो मूवीज जैसे मार्वल कैरेक्टर और एक्स मैन सीरीज के म्यूटेंट्स, ये सब तो काल्पनिक हैं, परंतु क्या आपको पता है असली में कुछ म्यूटेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं? नताशा डेमकिन नाम की एक रशियन महिला है जो लोगों के शरीर में देखने में सक्षम है। वह अपनी आंखों से एक्सरे मशीन की तरह देख सकती है। वह लोगों के अंदर की समस्याओं का पता लगाने और इनका इलाज करने में सक्षम है। एलेरी आइलैंड लगभग 300 साल पहले 5 परिवारों द्वारा बसाया गया था, जो मछली पकड़ने और शिकार करने और मवेशियों को पालने से गुजारा करते थे। 1930 के दशक तक अंतिम स्थायी निवासियों ने इस आइलैंड को छोड़ दिया था। क्या कोई आदमी किसी देश की सरकार से भी ताकतवर हो सकता है? यह किस्सा चाइना का है, जहां देश के विकास में बाधा बनने वाली हर एक चीज सरकार नष्ट कर देती है। इस फोटो में देख रहे हो हाईवे के बीचों बीच खड़ा यह मकान दुनिया के सबसे जिद्दी मकान मालिक का है। चीन की सरकार ने यहां हाईवे बनाने के दौरान कई लोगों का घर तोड़ दिया था, लेकिन इस मकान मालिक ने हट करके रखी और सरकार का विरोध किया और घर तोड़ने से इनकार कर दिया, जिस कारण सरकार को इसकी जिद्दी माननी पड़ी और मकान के अगल बगल से हाईवे बना दिया। एक ऐसा जंगल जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, यह कहानी काफी रहस्यमय है। कई लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है और वो नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई जगहों के आसपास रहना चाहते हैं। हमारे आसपास कई तरह की जगहें मौजूद हैं। इनमें से कुछ जगहों पर जाने पर काफी सुकून मिलता है, तो वहीं कई इतनी रहस्यमयी और डरावनी हैं कि वहां जाने से लोगों की रूह कांप जाती है। रोमानिया का ट्रांसिल्वेनिया प्रांत भी ऐसी ही जगह है जहां जाने से लोग कतराते हैं। ट्रांसिल्वेनिया में ऐसी जगह है जो कि काफी अजीबोगरीब घटना के लिए मशहूर है। ट्रांसिल्वेनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं जो लोगों को डराने के लिए काफी है। होया बस्यू ट्रांसिल्वेनिया प्रांत के क्लुज काउंटी में बसा ऐसा जंगल जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, इसे दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है। इस जंगल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से इसे ट्रांसिल्वेनिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह जंगल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस जंगल के अंदर जाने के बाद सैकड़ों लोग रहस्यमय ढंग से लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस जगह को लोग UFO और भूत प्रेतों से भी जोड़कर देखते हैं। इस जंगल को लेकर लोगों का इंटरेस्ट तब जागा जब एक चरवाहा इस क्षेत्र में लापता हो गया था। लोगों का कहना है कि वो आदमी जंगल में जाते ही गायब हो गया था। कुछ साल पहले एक शख्स ने इस जंगल में एक UFO को देखने का दावा किया था। इसके अलावा यहाँ घूमने आने वाले कुछ टूरिस्ट ने भी
यहाँ कुछ पैरानेचुरल चीजें देखने का जिक्र किया है। ऐसी ही प्रचलित कई घटनाएं और कहानियां इस जंगल को डरावना बनाती हैं और लोगों को यहाँ आने से रोकती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अब दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।